वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है रेसिपी व्लॉग ऑफ ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, सो आज हम रेसिपी व्लॉग बनाएंगे ब्रेड पकौड़े के। जैसे आते तो सबको होंगे, बट फिर भी मुझे बनाना है रेसिपी व्लॉग। मुझे अच्छा लग रहा है, बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोग मेरे रेसिपी व्लॉग काफ़ी पसंद करते हैं। सो आज का व्लॉग है मेनली रेसिपी व्लॉग। सो स्टार्ट करते हैं, आगे आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं फ़िलहाल क्या हो रहा है। सो फिलहाल मैंने यहाँ पे मंगवाया है प्रोटीन, नहीं इसे हम साइड कर देंगे। मैंने यहाँ पे मंगवाया था एक बेसन का पैकेट, वैसे लिया एक दो, एक ब्रेड ना, नहीं मुझे पनीर अच्छा नहीं लगता, दो मटर डलती ब्रेड पकौड़े में, घर में नहीं डालते, यहाँ उबल रहे हैं आलू। और अभी मेनली हमें ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए ब्रेड चाहिए, बेसन चाहिए, प्याज एक दो, हरी मिर्च और आलू उबालने हैं। चलो ये सारा प्रोसीजर होने के बाद आपसे जा रही है दोबारा से पनीर लेने, क्योंकि ये भी चाह रही है कि पनीर भी डले ब्रेड पकौड़े में। मैं तो अपने में डालूंगी, इनके में डाल दूंगी। वैसे एक छोटी ब्रेड और ले आइयो, क्या पता कम पड़ जाए। हाँ नहीं, वो वाली पीस नहीं, जो इसी की थोड़ी बड़ी वाली आती है, इतनी वाली, इसी का छोटा पैकेट आता है बड़ी ब्रेड का, अगर मिले तो ले आइयो, वरना रहने दियो। ठीक है, मिल ही जाएगा। वैसे गाइस मैं ना आज लेट नहाई हूँ, मतलब जल्दी नहाया था, हेयर वॉश करे, और मैं ड्रायर ना बहुत कम यूज़ करती हूँ, पम्मी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मुझे आलस आता है, तो मैं नेचुरल ही सुखाती हूँ। बट धूप चली गई, शाम हो गई 5 बजे। सो चलो ये पनीर और ब्रेड लेके आ रही है मैं, बाकी इतने प्याज मिर्च विर्च काट रही थी ना। मेरे आलू अभी बॉयल नहीं हुए, क्योंकि आजकल ये मिट्टी वाले जो प्रॉपर आलू आते हैं ना, काफ़ी टाइम लेते हैं बॉयल होने में। तो यहाँ पर मैंने बड़े बाउल में लिया है बेसन, इसमें पानी और थोड़ा सा नमक जाएगा। इसमें मैंने लिया है प्याज, एक हरी मिर्च बहुत बारीक, क्योंकि नोना भी खाएगी तो मैं भूल गई थी, फिर मैंने स्किप करी, बता एक कट गई थी तो डाल दी। और इसमें लाल मिर्च डाली है थोड़ी सी बिल्कुल, और नमक और प्याज बिल्कुल बारीक। तो ये आ गया हमारा पनीर, इसको अभी मैं करूँगी वॉश, फ्रेश है पनीर, नाइस। सो अब इसमें पानी मिलाते हैं साथ के साथ। आप अपनी क्वान्टिटी रख सकते हो, मतलब ज़्यादा थिक रखना है या लिक्विड ही रखना है, पहले रुक जा दूँगी। सो मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर। सो गाइस यहाँ पे जो मैंने पनीर मंगाया था उसको मैंने ना कोल्ड वाटर में रख दिया है, क्योंकि सबके हाथ लगते हैं और वैसे भी जो गंदगी होती है वो हट जाए। ठीक है, सो इसलिए मैंने पानी में रख दिया है, सारा हो जाएगा ये एकदम साफ। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बेसन लिया था, इसमें बिल्कुल नाम के लिए डालेंगे नमक, क्योंकि ना मैंने ऑलरेडी प्याज, मतलब आलू वाले बैटर में नमक जाएगा ही, तो इसमें हम हल्का सा पिंच कर लेंगे बस थोड़ा सा, ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है अगर खाने में ना हो तो स्वाद खराब हो जाता है, और ज़्यादा हो जाए तो भी स्वाद खराब हो जाता है। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे, बेसन को मैं थोड़ा थिक ही रखूँगी, क्योंकि ब्रेड पकौड़े बनाने हैं ना, तो इसलिए। वैसे पकौड़ों में आपको बेसन की जो ये होती है ना, क्या थिकनेस रखनी चाहिए। मैं प्रोफेशनल वो तो नहीं हूँ शेफ, तो इसलिए क्या लग रहा है गुन्नू दीदी आ गए ब्लड के बाद। अच्छा, तो मैं गुन्नू अंशु और नोना भी आ रहे हैं, तो मैं प्रोफेशनल शेफ से नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आता नहीं है, तो जैसे भी आता है उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से रेसिपी दिखाने की, समझाने की। सो बेसन को हम अच्छे से अभी घोल बना लेंगे, आप लोग हाथ से भी घोल सकते हैं, पर मेरे हाथ में ना कटा हुआ है तो नमक वमक लगेगा ना, तो थोड़ा दर्द होगा, तो इसलिए मैं स्पून से कर रही हूँ। और इतना अच्छे से आपको ना इसको घुमाना है कि जो इसमें ना छोटे छोटे हैं ना वो बन जाते हैं स्लम्स बॉल टाइप, तो वो नहीं बनने चाहिए। तो आप इसे अच्छे से फैट लेना, अगर आपके पास वो है ना रोलर टाइप होता है एक, जो किचन में यूज़ करते हैं शेफ वगैरह, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं स्पून का यूज़ कर रही हूँ। बट हाँ, मेक श्योर आप बाउल बड़ा लो, जिससे ना आपको फैटने में पानी वानी बाहर ना आए, छींटे बिल्कुल भी बेसन की बाहर ना आए। सो चलो आगे मिलते हैं आपसे, जो चीज़ करेंगे वो आपको दिखाऊंगी। तो गाइस जो मैंने आलू बॉईल करे थे वो मैंने छिल लिए, और आलू ना इतने अच्छे से उबाल लिए कि बिल्कुल आलू ना ऐसे हो जाए जैसे आटा एकदम होता है ना सॉफ्ट, एकदम पतले पतले, तभी मज़ा आता है। तो ये देखो मैंने आलू में, मतलब प्याज जो काट रखे थे ना उनमें पहले मैंने अच्छे से अपने हाथ धोए, और उसमें अच्छे से मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ, वैसे कटा हुआ है ना वहाँ पर मिर्च लग गई, पर क्या करूँ, वो एक बार लग गई, बार बार नहीं लग रही, तो इसे मैंने हाथ से इसलिए करा है ताकि ना ये बिल्कुल अच्छे से एकदम पतला पतला हो जाए, ताकि भरने में मज़ा आए खाने में। और यहाँ पर मैंने रख दिया रिफाइंड गर्म करने, मैं रिफाइंड यूज़ करती हूँ वो पड़ी सफोला की कैन, वो वाला, वैसे कोई कोई तो तेल में बनाता है, पर मैं सब्जी के लिए तेल यूज़ करती हूँ सबके लिए, पर मैं पकोड़े इसमें ही बनाती हूँ रिफाइंड में, क्योंकि मुझे तेल में अच्छे नहीं लगते।
सो चलो अब फिलिंग भरेंगे, गुन्नू अंशु भी तक आए नहीं है, इतने में अपने बाल बाल कॉम कर लेती हूँ। तेल मैंने यहाँ गर्म रिफाइंड गर्म हुए रहे, सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं कॉम करने ही गई थी अपनी, और ये देखो कॉम इसके आँख मुँह पे लग गई, इसलिए गुस्सा हो गई। वह नए ड्रेस मासी लाई है, क्या बात है, मम्मा के लिए भी लिया था गंदे। किस देख रही थी किच्ची करो, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास यार, किच्ची को तो टाइम नहीं है जी। अच्छा वो यहाँ पे ना वो देख रही है ये सब। सो गाइस चलो आ गई है ये अंशु, नहीं आया, अंशु भी वेट कर रही थी, अब मैंने कॉम कर ली, हाथ धो के अब स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इधर फिलिंग भर चुकी है आलूओं की, अब इसमें पनीर किसके में डालना है, मेरे में भाई पनीर डालना है, पनीर तेरे में भी भाई मेरे में ही डालना ना, सब में क्यों लगा रही हो, एक के ऊपर एक ब्रेड लगेगी ना। हाँ तो फिर होगी ना लड़की, ब्रेड पकौड़े दिखा, मेरा मुंह क्यों दिखा रही है, एक ही ब्रेड है, कटिंग हो जाएगा ब्रेड पकौड़े, ब्रेड पकौड़े गाइस, ये है ब्रेड पकौड़े, ये है ब्रेड पकौड़े बनाने वाले, ये देखो ये भी ब्रेड पकौड़ा हो रही है आज, ये भी ब्रेड पकौड़ा हो रही है। वशु वो नीचे से वो लेके आई है, गाइस इन्हें पता था मैं ब्रेड पकौड़ी बना रही हूं, जब ये समोसे क्यों लाए तुम, क्योंकि हमें खाने थे, मेरे ब्रेड पकौड़े नहीं, हम आ रहे थे तो गरम गरम बन रहे थे, हमने कहा चलो लेते चलते हैं। हां ले लूं आ जाओ, तेल का काम कर लूं बेटा, पीछे हो जाओ ना आप। जब भी सच में तेल का काम करती हूँ, पूरी बनाती हूँ ना, तो मैं जलती जरूर हूँ, तो इसलिए ये कर रहा हूँ। वशु ने भी बताया अगर इलायची छेती चाय में डालने के लिए, पर इसमें डाल दी इलायची और फ्राई हो गई, मैं पागल बच्ची है। और फिर मैं बेसन में बिना करे ब्रेड पकौड़ा उसमें डालने वाली थी, इसकी बातों में ध्यान था मेरा, चल मार दे पलटा यार, सेक रहा है आप सबने तो देखा ही है वैसे भी, कोई बात नहीं, मेरे सारे गाइस अमीर है, पनीर देखा होगा जब भी। यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, ब्रेड पकौड़े, पनीर के पकौड़े, चाय, ये समोसे मैं लाई थी, मुझे ब्रेड पकौड़े बहुत कम ही पसंद है, मैं अच्छे नहीं होते, नहीं मैं सच में ब्रेड पकौड़े घर में भी मैं लाते हूँ तो मैं वो समोसे मंगाती हूँ अलग से, बाकी चलो लेके चलते गाइस, टेस्ट सब अंदर बताएंगे, हरी चटनी घर वाली होती है ना गाइस, ज्यादा अच्छी पकौड़े भी है। चलो So guys, मेरे बच्चे बताएंगे कि कैसा बना है, कैसे बने हैं, कैसे बने हैं, बढ़िया, सच बताना, आलू के बने हैं, वशुन तो पहली बार खाए, इन्होंने तो खा रखे हैं, इन्होंने भी खा ही रखे हैं, नो, अरे नो, मेरे हाथ के यार, कह रही है पहली बार कैसे कह रहे हो, मैंने खाए नहीं है, पागल है। फाइनली आप भी बनाए, मजे करें, पनीर बच गया था तो इनके पकौड़े बना दिया इन्होंने। गाइस हमने सबने खा लिया, और अभी इसने मेरे बेलन मारा बहुत तकड़ा, तो इसकी रोटी बची, ये क्या है, क्या ये मेरे को दे दो, नहीं दोगे। सो गाइस मैं बर्तन धो के आई हूँ, चाय वाई के सुबह चाहिए होते हैं, पर अभी मैंने इसलिए धो दिया क्योंकि फिर ना सुबह सुबह धो ही नहीं जाते। और इसकी इतनी प्यारी ड्रेस लग रही है, आज मम्मा की नजर न लग जाए ऐसे थूथू। इंस्टाग्राम पे मैंने एक बच्चे की रील देखी, एक छोटी सी लड़की दिखाई कश्मीरी, और सेम हेयर कट सेम फेस, मैंने यहाँ बगल में उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप लोग देखना, ऐसे नहीं लग रहा जैसे नोना ही, मैंने पहली बार देखी ना तो मेरी नज़र ये गई कि गुन्नू और पुनीत, मैंने आईडी नहीं देखी, मेरे को लगा गुन्नू और पुनीत ना शायद नोना को कहीं ले गए हैं वीडियो बनाने, मेरे को लगा यही है, पर ये तो नहीं था, वो रोटी बनाता है ये बाबू, और ऐसे इतनी चमची है बाथरूम के गेट के बाहर खड़े होकर गेट बजाती रहती है, पापा पापा मारू इधर पापा को, मारू मैं, गई चमची गई, हां मार दी मम्मा, मारो मम्मा को, मार दे बिस्तर, आ जा मेरे पापा, हट जाओ पापा, लेने गई है मेरे को मारने, एक बेलन दे इसके सिर में, अरे रो रही है वो खड़े होके, ओ नोना कौवा, नोना कौवा, उठोगे, अरे
देख रही थी कि दीदी मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है नोना, आ जा। कितनी तेज है, मेरे से भी डबल लग रही दिखाती है। नहीं मार नहीं, नो छोड़ के मत जा, नो। अच्छा ले ले तेरे पापा, ले ले तेरे पापा है बस, नहीं ले ले मैं आपके पापा को, आ जाओ आ जाओ, आपके पापा है, लो आपके पापा है, ले बस जा तेरे पापा है, जाओ गंदे ड्रामे बाज। गाइस पूरी क्रीम की डब्बी खाली कर दी हमने, ये देख ना, अभी आएगी अभी आएगी, रुक जा नोना, बस अभी हो रहा है। गाइस मेकअप आर्टिस्ट का मुंह दिखाओ, पहले मुंह दिखा, मेकअप आर्टिस्ट का मुंह देखो। गाइस मैंने क्रीम की डब्बी यहाँ रख दी, देख कैसे रोएगी। मैं भी आपके लगा रही, रुक जाओ, बहुत अच्छा है, कोल्ड क्रीम है। क्या हुआ, खत्म हो गई ना, आपने सारी तो लगा दी। रोले 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 रोने की एक्टिंग कर, रोते कैसे है, एक्टिंग करके दिखा, एक्टिंग करके दिखा, रोते कैसे है, उधर कुछ भी नहीं है, इधर आ जा, चलो रोटी बनाएंगे, चलो बाहर चल रहे घूमी घूमी, चलो 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 चलो, गाड़ी में चलेंगे। जीजू 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 पापा पापा जीजू मेरे जीजू जूजू जीजू मैं पापा हूँ आपका, देख 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 चमची को, वो आएगी भाई किस दिन मुझे। जीजू कौन बोलिए, जीजू जीजू जी मुझे किस दिन बुलवाएगी, मैं इसीलिए कहती हूँ कि आगे मत बिठाया करो, इससे पूछ के बैठेगी भाई, इसने मुझे भी आगे नहीं बैठने दिया पता है, ये देखो मैं पीछे बैठी हूं, ये देखो गाइस मैं पीछे बैठी हूं, ये देखो मेरे सर में दर्द है, तबीयत खराब है, दवाई लेके आऊंगी। जब भी इसने माँ पे तरस नहीं खाया अपने बाप की लाडली लाडली ने, ओए गंदे, इसे गाड़ी सिखाऊंगा जल्दी, हाँ तुझे गाड़ी सिखाऊंगा, मुझे तो सिखाई ना गाड़ी, तो तेरी बात अलग है इसकी बात अलग है, मेरी क्या अलग है, तू बहू है मेरी लौंडिया, तो जब मैं आई हूँ जब ही आई है, मेरे बिना तो ये आती रहो, बोलो मूल से ज्यादा ना ब्याज अच्छा लगे, अच्छा फिर ठीक है, मुझे मूल से तो ब्याज ही अच्छा लगे। मूल में नोना को छोड़ने और नोना को छोड़ने खुद ही आ गए थे, क्योंकि गाइस मेरा ना दो तीन दिन से पता नहीं मूड भी खराब रहने लगा है आजकल, और तबीयत तो है ही खराब खराब, फिर मेरे इतने सारे पार्सल आए हुए थे, सूट सिल के आए हुए थे, सो ये सब चेक करे मैंने रखे, क्योंकि जहाँ हमें घूमने जाना है तो वहाँ की भी पैकिंग शैकिंग करनी है ना, इसलिए ये दोनों दिया सूट, इनकी बो लगानी है, गलती से गलत स्टिच ना दो, पोयम मम्मा को गाइस आज ये देखो कैसे पहाड़ी बच्चा लग रही है, इतनी क्यूट सी, जो मैंने आपको वीडियो में पहले वो स्क्रीनशॉट लगाया था ना वही लग रही है आज तो मुझे, ये सेम कुचू, चलो पूरी ड्रेस दिखा, शो के उठाई मेरा कुचू दिखा दी पूरी ड्रेस, कब की इतनी प्यारी ड्रेस लग रही है, और मम्मी को जो कपड़े हम अच्छे लगते ना वो मम्मी को अच्छे नहीं लगते, आओ आओ ना चमचे। गाइस पम्मी आए हुए थे इतनी देर से, अब ऑफिस चले गए, फिर से हम यही है, अंगीठी गुनहटियो अंगीठी बाहर कहाँ गई, अंगीठी दिखाने वाली थी मैं, अंगीठी गायब हो गई। क्यों मार रहे हो मम्मी, क्यों मार रहे हो मम्मा को, क्यों मार रहा हो, गाइस मेरे को ना जबरदस्ती ये खिला रही है मम्मी, सुनो ना, और मेरे को ना जबरदस्ती बादाम खिला रही है, और मुझे खाने नहीं है तो मुझे मार रही है, मम्मा आपको मार के खाना खिलाती है, हैं? मम्मा आपकी पिट्टी लगा के खाना खिलाती है आपको, इतना क्यूट बेबी हो के मम्मा, गाइस पता है ऐसे करती है मुंह पे हाथ रख के, मैं क्यूट हूं, और देखो मार रही है, मैं खा नहीं रही तो मामा को खिला दे, रुक जा वो खिलाएगी, अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तूने मेरे साथ, क्या कर रहा है, क्या किया उन्होंने, इतना गंदा मुंह क्यों बना रही है, क्या किया मम्मी,
कुछ नहीं करा जब बोला मैंने, कुछ नहीं करा ना। क्या कर रहा है मम्मी, क्या कर रहा है गाइस? नोना ऐसे देख के डर क्यों रही है? क्या कर दिया तूने? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ। बता रही हूं। यहां लगा है। रुक जा साले, मैं फ्रंट कैमरा से देखता हूं। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं मारूंगी। सॉरी बेबी, आप गाली कर रही हो। नहीं तू पिट। पापा देखना आज ही स्किन केयर करा था अच्छे से नहा के। गाइस इन्होंने बाहर अंगीठी लगा रखी है ना, तो उससे मेरा पूरा मुंह काला कर दिया इसने। क्या होगा बताओ तुम्हारा? अब मुझे लोग बोलेंगे कहाँ से मुंह काला करा के आई। अब मैं बोलूंगी अंगीठी से। ये मेरी बातों पर हंसते हैं। क्या हुआ? क्यों मार रहा है? क्यों मार मार के मम्मा को बताऊं खिला रहा है? क्यूटी नानू को खिला, नानू को। पापा गुनू बनकर, पापा पापा नोना बुला रही है, बादाम खाने के लिए बुला रही है, वरना मारेगी। अरे आ करेगी वो, आ करो आप खिलाएगी तेरे को, नहीं पापा को देगी। अबे अभी तो मैंने खाया, मसाले वाले हैं ये। आ गए पापा, पापा को दे दे, मैं खिलाती हूँ। मेरे पापा जी, आहा मेरे पापा जी है, मैंने अपने पापा जी को खिला दिया। अंगीठी पे इन्होंने, अंगीठी पे ये हाथ सेक रहे थे, यहाँ पे इन्होंने खाना पीना बनाना चालू कर दिया अंगीठी पे। हद होगी, मतलब हाथ सेकते सेकते अपना सिस्टम बिठा लिया इन्होंने। यहाँ मक्खन वक्खन अपना ले गए, और नोना वहाँ चुपचाप फ़ोन में लगी बड़ी किसी से। मतलब आ गए थे घर, और घर आके ना मैं अपने सारे पार्सल्स वगैरह सेट करने लग गई थी। ओह माय गॉड इतनी बुरी शक्ल, वेट सही करूँ, जुल्फे वुल्फे निकाल के। सो बहुत सारे पार्सल्स थे मेरे, मैंने अरेंज करे, ये देखो यहाँ पे भरे मैंने। ये मेरा पार्सल वाला एरिया है जहाँ पे मैं सारे पार्सल्स रखती हूँ। वैसे तो इस अभी तो फिलहाल बहुत कम पार्सल्स हैं, क्योंकि मैं सबका कोलैब जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है इसलिए। सो ये सूट दो तीन जो करने हैं, और जो पैक पड़े हैं कुछ यहाँ रख रखे हैं नीचे। और गाइस दो पार्सल तो मेरे ऐसे आए हैं कि मेरा दिल आ गया। क्या बोलते हैं इसको, मैं फिर भूल गई। क्लोजेट करके बैग होते हैं जो, पंखा चल गया, जो ना हैंडमेड बैग होते हैं। हैंडमेड मतलब ये खुद से हाथ से बुन बुन के बनाते हैं, ठीक है। ये ना फैब्रिक है कोई, उसका बैग है यार। सीरियसली अगर आप देख लोगे ना सामने से गाइस, ये तो मैं आपको फ़ोन में दिखा रही हूँ, अगर आपने इस बैग को सामने से देखा ना आपका भी दिल आ जाएगा। मतलब ये मैंने कोलैबोरेशन में ही आया है, बट सीरियसली मैं आगे से, मैंने फर्स्ट टाइम देखो ऐसा बैग देखा है। मेरे पास ना ऐसा बैग पहले कभी भी नहीं था। और मैं इंस्टा पे जब इसकी ओपनिंग डालूंगी ना, रील डालूंगी, तब आप लोग देखना। मैं आपको एक बार ऐसे दिखाती हूँ, और जिस पेज से मैंने लिया है ना, वो मैं पेज भी यहाँ पे लगा दूंगी। देखो ये देखो यार इसका कलर, और इतना खूबसूरत बैग। सीरियसली ये देखो, जब रेडी शेडी होके इस बैग को कैरी करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट बैग कोई होने वाला है। सो ये हैंडमेड है, खुद हाथों से बनाया। इसकी फिनिशिंग और इसकी मतलब एक एक चीज़ ना, क्या ही तारीफ़ करूँ। अगर आपको लेना है ना, तो मैं इनका इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग ले लेना, क्योंकि बहुत अच्छा है। देखो जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे इंस्टा पे बताना था, बट मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैंने यूट्यूब पे भी बता दिया। चलिए व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। और ये ना मेरा पिछले साल का नाइट सूट, आज मैंने इसमें एक रील डाल दी। सबके कमेंट आ रहे हैं पिछले साल की रील है क्या, बहुत पतले हो, बहुत पतले हो। बट नहीं, ये मेरी इसी साल की है रील। मैं थोड़ी हो गई हूँ शायद क्या पतली। हेयर वॉश करने के बाद हेयर्स कितने सुंदर हो जाते हैं ना, देखा। और कल वैसे ही मुझे अपने हेयर के लिए जाना है, रिफिल कराने अपने एक्सटेंशन। सच में H2B दीदी ने ना, H2 वाली दीदी ने बहुत अच्छे करे यार। इस बार आप लोग खुद देख रहे होंगे कितने स्ट्रेट स्मूथ चल रहे हैं। सो चलिए व्लॉग एंड करने का समय आ गया, बट उससे पहले मैं आपको अपना एक और पार्सल दिखाती हूँ गाइज। इसमें ना 4,500-5,000 के परफ्यूम है ऑस्कर के, ऑफर चल रहा था। अगर आप इन्हें लोगे ना, तो और महंगे मिलेंगे अभी तो फिलहाल। बट मतलब जब मैंने लिए थे, ऑर्डर करे थे, जब तो महंगे चल रहे थे, बट अभी इन पे ऑफर चल रहा है। ये देखो ऑस्कर का स्मोक है, ब्लैक मेरे पास था तो मैंने इस बार ना ब्लैक नहीं मंगाया, डार्क ब्लैक जो होता है। और ये देखो नाइट एज डे मंगाया है, और मैंने OUD लेडी मंगाया, OUD लग्जरी मंगाया है, और ये 11 Forever सेंट फॉर हर मंगाए हैं, जो कि पूरा किट है। ये ब्लश मंगाया है, काफ़ी अच्छे परफ्यूम है यार ये, मतलब ऑफर चल रहे थे। ये वैसे कोलैबोरेशन वाले, बट चूज़ मैं खुद कर रही है। सो चलो ये वाले ब्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस। कल शायद हम कहीं जा सकते हैं शॉपिंग पे, है ना, है ना? कल चलेंगे।
जब वहाँ जाएंगे तिलक नगर, कल हमें तिलक नगर जाना है मेरे हेयर्स के लिए, H2B कमला नगर है ना, उन्हीं की दूसरी ब्रांच है, तो कल मैं व्लॉग बनाऊंगी आपको दिखा दूंगी, अगर जो लोग तिलक नगर से है ना वो लोग वहाँ भी जा सकते हैं, फिर हम वहीं से शॉपिंग भी करेंगे थोड़ी बहुत, है ना। ठीक है, बाय गाइज, लव यू।